हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है कमल ककड़ी से कबाब बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कमल ककड़ी से कबाब बनाना। कमल ककड़ी के कबाब बनाने के लिए ये हमने दो कमल ककड़ी ली हैं और तीन हमने उबले हुए आलू लिए हैं और इनको हमने कमल ककड़ी को उबाल लिया है। इनको हमने आलू के साथ ही इकट्ठा उबाल लिया था। उबालते हुए हमने इसमें नींबू का रस डाला है जिससे कि हमारी कमल ककड़ी का कलर काला ना हो। तो ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। अदरक का, ये हमने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तीन हरी मिर्च ली हैं, इनको हमने बारीक कट कर लिया है। तीन चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और ये कुछ मसाले लिए हैं हमने। काली मिर्ची पाउडर चौथाई चम्मच, चौथाई चम्मच हमने जीरा लिया है और चौथाई चम्मच हमने गरम मसाला, चौथाई चम्मच हमने धनिया पाउडर और चौथाई ही चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, चौथाई चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर ली है और ये हमने नमक स्वाद अनुसार लिया है। तो आइए बनाते हैं कमल ककड़ी के कबाब। सबसे पहले मैं कमल ककड़ी को कद्दूकस कर लूँगी। ये बिल्कुल आसानी से कद्दूकस हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं अपने आलू और कमल ककड़ी को कद्दूकस कर लूँगी। ये हमारी कमल ककड़ी कद्दूकस हो चुकी हैं, अब आलू को भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये हमारे आलू और कमल ककड़ी कद्दूकस हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी। अदरक कद्दूकस किया हुआ, बारीक हरी मिर्च कटी हुई और ये मसाले डाल देती हूँ मैं। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं ये पेस्ट तैयार कर लेती हूँ और साथ ही मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और इसे अच्छा से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये बिल्कुल एकदम तैयार डो हो चुका है हमारा। मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब थोड़ा सा डो ले लूंगी मैं हाथ में। और इस प्रकार से मैं अपने कबाब बनाकर तैयार करूंगी। आप चाहे दूसरे आकार से भी इसकी शेप दे सकते हो। और इसी प्रकार से मैं अपने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके कबाब डालूंगी। ये और इसी प्रकार से मैं इसमें एक एक करके कबाब डालूंगी। ये
अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। और ये कितने अच्छे से सिक रहे हैं हमारे कबाब। और इन्हें मैं हल्का सा और सेकूंगी। ये हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इन्हें इस प्लेट में निकाल लूंगी। इसी प्रकार से बचे हुए कबाब मैं सारे फ्राई कर लूंगी। ये हमारे कबाब ये भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। ये हमारे कमल ककड़ी के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।